नमस्कार साथियों साथियों हम मेजरमेंट पढ़ रहे थे। मेजरमेंट की श्रृंखला में हमने सबसे पहले आपको मेजरमेंट पढ़ाया, मेजरमेंट क्या होता है। उसके बाद हमने मेजरमेंट की जो पद्धतियां थी उनके बारे में आपको बताया। उनके बाद हमने आपको बताया कि तापमान, ताप क्या होता है, ताप को हम कैसे मापते हैं और तापमान मापन के कौन कौन से स्केल होते हैं। साथियों मेजरमेंट का एक छोटा सा टॉपिक और बच गया है जिसे हम कहते हैं एंगल, कोण का मेजरमेंट। हम किसी कोण को कैसे नापते हैं, एक डिग्री किसे हम कहते हैं, एक डिग्री को हमने किसके बराबर माना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कोण की माप। ठीक है साथियों, एक डिग्री कहां से आया सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूं। साथियों हमने एक व्रत लिया, क्या हमने एक व्रत लिया, हमने एक व्रत लिया और उस व्रत को हमने 360 बराबर भागों में बांट दिया। एक व्रत को हमने 360 बराबर भागों में बांट दिया, यानी ये एक व्रत है, इसको हमने 360 बराबर भागों में बांट दिया और एक भाग को हमने व्रत के एक भाग को हमने व्रत का जो ये वाला एक भाग है इसको हमने एक डिग्री के बराबर मान लिया। समझ गया, एक व्रत हमने लिया, उस व्रत को हमने 360 बराबर भागों में बांट दिया और एक भाग का मान हमने एक डिग्री मान लिया। समझ गए होंगे आप, तो एक व्रत को कितने भागों में बांटा, 360 भागों में, एक भाग को एक डिग्री माना, तो व्रत में टोटल कितने डिग्री हो गए, 360 डिग्री हो गए। समझे, एक व्रत लिया उसको छोटे छोटे 360 भागों में डिवाइड कर लिया, एक भाग को एक डिग्री के बराबर मान लिया, तो एक व्रत में टोटल 360 डिग्रियां हो गई। और एक डिग्री को, एक जो डिग्री होती है, एक जो डिग्री होती है उसको 60 बराबर भागों में फिर से बांट दिया, जिसे हमने क्या कह दिया, मिनट, उसको हमने कह दिया मिनट, यानी एक डिग्री में कितनी मिनट होती है, 60। फिर एक मिनट को हमने लिया, फिर एक मिनट को हमने लिया और इसको फिर से हमने 60 छोटे छोटे भागों में बांट दिया, जिसे हमने कह दिया सेकंड। साथियों यहां से ये एक डिग्री आया। आपने डिग्रियां पढ़ी होंगी, कौन पढ़े होंगे, लेकिन अब से पहले आपको मैं उम्मीद करता हूं कि ये नहीं पता होगा कि एक डिग्री कहां से आया। ठीक है, तो ये इसकी छोटी सी मैंने एक वीडियो आपको उपलब्ध कराई है ताकि आप पढ़ सकें कि एक डिग्री कहां से आया। एक डिग्री को फिर हम छोटे भागों में बांटते हैं जिसे हम मिनट कहते हैं और एक मिनट को फिर हम छोटे भागों में बांटते हैं जिसे हम सेकंड कहते हैं। साथियों फिटर में बहुत सारी जगह आपको इस तरह के चिन्ह मिलेंगे, जैसे यहां पर ये जो डिग्री है, जैसे किसी भी संख्या के ऊपर एक कोई संख्या है, अगर वहां ऐसा सिंबल आपको मिलता है इट मींस ये डिग्री है। अगर किसी संख्या के ऊपर ऐसा आपको सिंबल मिलता है इट मींस वो मिनट है, डिग्री का एक डिग्री का 60वां भाग है, ये आप कह सकते हैं। और अगर किसी स्थान पर इस तरह का सिंबल मिलता है तो उसे हम सेकंड कहते हैं। ये छोटी सी चीज मैंने आपको और यहां पर क्लियर कर दी, आप समझ पाए होंगे कि कोण की माप कौन कैसे हम मापते हैं, एक डिग्री कहां से आया, एक मिनट क्या होता है, एक सेकंड क्या होता है। ठीक है साथियों, आपके लाइक और कमेंट हमारा मोटिवेशन है और अधिक मेहनत से कार्य करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।